85 का तीर्थ उसके आग्रह पर हुआ कि माँ शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करेंगे। मैं सभी अतिथियों से डीडीएम सर से प्रदीप जी से कार्यक्रम जी से सभी से आग्रह करूँगा। अभी इस एफपीओ को 6 महीने हुए हैं स्थापित हुए और हमारा अबकी बार वार्षिक जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है कि हम दिसंबर तक इसमें 300 मेंबर्स को लक्ष्य कर रहे हैं जोड़ने का। इसी के साथ में हमने कुछ गांव में स्वयं सहायता समूह का जो कार्य है उसको भी हमने आगे की ओर लिया है। यहाँ जो मंच के सामने जो मातृशक्ति बैठी हुई है वो कुछ गाँव से हमने एस एच जी से यहाँ पर आमंत्रित किया है। साथ में आप लोगों की जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं कुछ प्रगतिशील किसान हैं, बहुत से किसानों के यहाँ पे फील्ड विजिट भी किया है अपनी टीम के साथ में, काफी तरह के सब्जी उत्पादन के कामों में भी वो लोग जुड़े हुए हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि किस तरीके से खेती में नवाचार करके नई पद्धतियों को जोड़कर और वो अपने मुनाफे को कैसे बढ़ा सके, इन कामों के लिए हम एफपीओ के इस संवर्धन को लेकर काम करेंगे। आप सभी लोगों की गरिमामय उपस्थिति के साथ इसका शुभारंभ कर रहे हैं, जोरदार तालियां सभी के साथ। उस तरह से अब आप लोग मुझे मतलब उम्मीद है कि अब टीम का थाना जिले में पाटन विशेषकर अच्छी प्रोग्रेस करेगा, आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफिकल टैलेंट थोड़ा जो एरिया है वो ऐसा है कि आप समतल नहीं है, तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो ज़्यादातर गतिविधि तो वही रहेगी, जो भी माइनिंग का है वही रहेगा। लेकिन क्योंकि हम माइनिंग नहीं करने वाले, हम लोग तो जो खेती करने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए तो जीवन यापन का तरीका जो पहले है ये जरूरी है कि पहले हम जैसे जौ गेहूँ सरसों करते थे तो हम जानवर एनिमल हस्बेंड्री बेस करने लगेंगे या फिर हम कोई हाईटेक एग्रीकल्चर की तरफ चले जाएंगे, हॉर्टिकल्चर की तरफ चले जाएंगे, बट हम लोगों का जीवन मतलब उस तरह से ही चलेगा। तो और क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि आपकी जो लोकेलिटी मतलब जो आसपास का इसका दिल्ली से बहुत नज़दीक है, तो अगर आप यहाँ कुछ अच्छी पैदावार करते हैं कुछ अच्छे आइटम्स तो उनको आप दिल्ली डायरेक्ट भेज सकते। अगर आप जैसे मान लीजिए कि कोई एक फतेहपुर का आदमी दिल्ली लेके जाएगा एक आप यहाँ का लेके जाएगा तो किसको ज़्यादा फायदा है, यहाँ का आदमी है या नहीं है, क्योंकि आपकी लागत कम है। तो ये तो उन्हीं सबको हमने ध्यान में रखते हुए इनको सेंक्शन किया अभी, और ये बड़ी खुशी की बात है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो गया और आज उसका हम फॉर्मली लॉन्चिंग कर रहे हैं प्लस किसान उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी के तौर पे। तो उसके लिए आप सभी को पहले तो शुभकामनाएं।